ठीक है, 1:50 हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर, अब चलते हैं सफारी पे। थोड़ा चाय पीने लगा था कैंटीन में। तुम बैठ जाओ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। किसी को ऑप्शन मिल रहा है आगे बैठने का, किसी को बैठना तो बैठो, नहीं तो मैं बैठता हूँ। चलो मैं बैठ जाऊँ? आप बैठ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सही बात है, आज आप बैठो। आप जहाँ बोलेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, को यहीं तुम्हारे लिए इतना दूर आने नहीं दिया। हाँ तो सर बैठो बैठो। दिकाला से शाम की इवनिंग सफारी में निकल रहे थे तो गाइड ने हाथ लिया और गाइड को बैठाना पड़ा। यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, गाइड को बैठाना पड़ेगा। तो वसीम जी आए हैं, वो बैठे हैं पीछे। तो वसीम जी थोड़ा गाइड करेंगे। अरे जैसे ही हम दिकाला से निकले, सामने साइटिंग हो रही थी, सामने साइटिंग हो रही है, ये देखो। दिकाला सामने, दिकाला से जैसे निकले तो सामने ही मैं देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये देखो गाड़ी की वीडियो, गाड़ी की वीडियो। सब टाइगर का वेट कर रहे थे, बंदर आया तुरंत, सब ऐसे खड़े थे सेंसिटिव होके, फिर सब हंसने लगे हैं। कुछ बंदे भाई उस तरफ चले गए हैं सांभर रोड पे, और कुछ बंदे ग्रासलैंड में अपनी किस्मत आजमाने, और हम भी ग्रासलैंड में चलते हैं। आज हमारे साथ गाइड हैं, तो जो ये बोलेंगे वो करेंगे। सामने दिकाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये बढ़िया है भाई। देखो दिकाला का बैक पार्ट, आज मैंने आपको ये कंप्लीट घुमा दिया है। तो हम इसके बराबर से निकल रहे हैं, इस तरफ चले गए। सब इधर उधर घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी हम ठंडी सड़क पर खड़े हैं। थोड़ा सर ने ठीक किया है, कैमरा ना पूरा कपड़े से ढक दिया, धूल बहुत उड़ती है ना, ख़राब हो जाते हैं। लाख रुपए के कैमरे हैं, 15-15, 10-10 लाख रुपए के कैमरे लेंसेज हैं, तो इनको बचाना पड़ता है धूल से। सिर्फ ये तभी निकाले जाते हैं जब आप खड़े हों, जब धूल ना हो। वापस सांभर रोड आ गए हैं देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या। रामगंगा के किनारे काफ़ी सालों तक टाइगर वहाँ दिखा करते थे, लेकिन अब कम दिख रहे हैं क्योंकि पार वाली उन पहाड़ों पर चली गई है। आज हमारे साथ गाइड है, तो ये भी थोड़ा दूरबीन से देख रहे हैं। अच्छा अब किस किस नाम से टाइग्रेस है यहाँ पे, जैसे कि ये तो पारवाली हो गई। वैसे तो डिपार्टमेंट ने नाम देने के लिए मना किया है। अच्छा, लेकिन हम लोग अपनी पहचान के एरिया वाइज के हिसाब से नाम। हाँ वही वही वही, अपनी पहचान। हाँ अपनी पहचान के लिए एरिया में मिलता है, तो एरिया के नाम से उसको बोल देते हैं। युवराज भी है कोई यहाँ पे? युवराज नहीं है ना। हाँ तो जैसे एक तो पेड़ वाली है, पेड़ वाली अब नहीं है ना, पेड़ वाली है। अच्छा अभी एक पेड़ वाली है, एक पुल वाली है। पुल वाली, गेठियारो वाली बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक ग्रासलैंड वाली होगी। ग्रासलैंड वाली की 3 बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे हैं। हाँ ग्रासलैंड वाली दिख नहीं रही है, तीनों मेल हैं। अच्छा मेल, उनके नाम नहीं है ना कुछ भी। हाँ वही है कि अभी टाइगर के कम नाम है, मेन सबसे फेमस तो पार वाली थी। नाम रखे नहीं जाते ना यहाँ पे। हाँ वही है वही है, मना किया हुआ है। अपने कहीं भी एरिया टेरिटरी बनाएंगे पता है तो उसके हिसाब से पहचान दिया जाएगी कि हाँ ये। हाँ वो तो गाइड दे देते हैं पर, लेकिन पता है क्यों नहीं दिए जाते? ताकि पोचिंग ना हो जाए, शिकार ना हो जाए, इसलिए दिए नहीं जाते।
जैसा हंतुपुरा में जंगल है जामुन का, तो वो जामुन का फॉरेस्ट आ गया पूरा। क्योंकि नया ट्रैक है जो कि हम रिवर गंगा के उस तरफ राम गंगा के उस तरफ आ गए, चारों तरफ जामुन जामुन के पेड़ है। तो मक्की के छत्ते भी रहते हैं ना इधर तो बहुत। भालू ना चढ़ पाए इसलिए उस पर बनाती है वो। एक ही पेड़ पे दो तीन मिल जाएंगे। क्या जंगल है, बिल्कुल डिफरेंट वाइब आ रही है यहाँ पे। ये वाला ट्रैक पे तो मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। वो कांडा जा रहा था ना, ठंडक ठंडक महसूस हो रही है। अगर वो ऊपर में रहते हैं तो बहुत गर्मी फील होती है, यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। पहली बार आया, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। वो तो है, इस जगह पे मिल गया, इसकी लोकेशन मिल गया तो बहुत अच्छी वीडियो फोटो बनेगी। हाँ, ये देखो पेड़ टूटा हुआ पड़ा है जंगल में, बहुत डेंस फॉरेस्ट है भाई। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि साल के पेड़ नहीं है ना, जामुन के पेड़ है, मिक्स भी है ना। वाह क्या जंगल है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। ठंडक भी अलग है यहाँ पे। देखो एक जीप और आ रही है उधर से, कुछ लोग और घूम रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ना देखो कितनी बढ़िया रिवर, ये मॉनसून रिवर है, मॉनसून में चलती होगी है ना। हाँ, और भाई जामुन के आसपास ना ये पीलू के पेड़ भी हैं जो सिकंजी के मटके के चारों तरफ बांधते हैं ना, ये ठंडे रहते हैं, ठंडे रखते हैं बहुत देर तक पानी को, मटके को। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वसीम भाई जो हमारे गाइड हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छी हवा भी आ रही है, बहुत ठंडक महसूस हो रही है, मुझे जंगल इतना प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया। दिस इज़ द कोर फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में निकाला, अनएक्सप्लोर्ड, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं और मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। हाँ तो भाई इस तरफ ना बियर भी एक्टिव रहता है, नाखूनों और पन्नों के पंजों के निशान तो मिले हैं पर दिखा कम है। अरे वाह, यहाँ पर ओवल होगा, स्पोर्ट वेलवेट स्पोर्ट। अरे वाह, ईगल होती क्या भाई। भाई ये देखो, ये देखो भाई कितना मोटा ईगल है, कितना मोटा। देखा उदय, आप कैमरे में कैप्चर कर सकते हो, दूसरे वाले में बड़े वाले में। भाई स्पोर्ट वैलिड ईगल ऑल है, मेरे कैमरे में इतना जूम नहीं है, तो वसीम भाई दिखाते हैं अभी, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। इनके पास एक बर्ड का एप्लीकेशन है, उसमें दिखाएंगे कैसा दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिख रहा है। और भाई और भी फोटोग्राफर आए हुए हैं जो देख रहे हैं। अच्छा वो नेट नहीं है ना, तो इसलिए खुल नहीं रहा होगा, वो नेट से खुलता होगा है ना। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, ऑफलाइन चलता है ना। तो ये रहा भाई, ये वाला है, ये वाला ईगल बैठा है वहाँ पे। और इसके ऊपर कैसे रहता है, कान के ऊपर बहुत सी है ना, ये कान है क्या इसके, आँख के ऊपर जी, ये कान, ये इसके पंखी है। अच्छा पंख होते हैं भाई, इसका नाम ये दिखा वो, देखो ईगल की तरह है ना, देखो इसके पंजे पंजे देखो भाई, अभी भी इतने बड़े बड़े पंजे हैं, खुजा रहा है ना वहाँ बैठा है। ये रहा सामने, ये रहा, और भी चीप वाले हैं यहाँ पे खड़े हैं बहुत देर से। अपना सिविट कैट हुआ या ये रेड जंगल फाउल हुआ, इसको मारता है, इसको हंट करता है। अच्छा मतलब ये मुर्गों को मार देता है, पकड़ लेता होगा ना। अरे वाह भाई, नाइट लाइफ सोचो कैसी होती है कॉर्बेट की, कितनी बढ़िया। और ये जंगल देखो ना भाई, कितना प्योर है, अनटच। पहले यहाँ पे जो ये हॉल जैसा दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, इस पे नेस्टिंग थी इसकी पहले। अच्छा इसके अंदर घोंसला बनाया हुआ था। क्या पेड़ है, बहुत पुराने पुराने पेड़ है, साल के कितने मोटे पेड़ हो चुके, सुपर भाई। एक ये बैठा, एक ये बैठा ऊपर, ये देखो पेड़ दिख रहा है सफेद रंग का, बहुत बढ़िया। देख भी हम ही रहे हैं, देख भी हमको ही रहा नीचे। देखो खुजा रहा है, खुजा रहा है, देखो कितने बड़े बड़े पंजे हैं, देखो है ना भाई, कितना बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है। ओ पंख फैला है, ओ पंख देखो, पंख कितने बड़े हैं सर, देखो ना पंख कितने बड़े हैं भाई। वैसे शेखावत भाई अपने जो जूम वाला कैमरा है ना, 50x तक जूम करता है, 600mm तक, तो इससे कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी, मैं 100 कर दूंगा। बड़े बड़े पंजाबी को है ना, बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है।
फोकस इससे करना बहुत मुश्किल है। देखो कितने बड़े हैं, इससे फोकस करना बहुत मुश्किल है। कितने बड़े हैं, तो भाई वैसे शेखावत भाई अपनी जो जूम वाला कैमरा है ना 50x का जूम करता है 600mm पे, तो इससे कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी। मैं सो करते हैं उस तरफ एलिफेंट दिख रहे हैं और उसके उस तरफ दिखाया ढिकाला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, हम बिल्कुल अपोजिट में ढिकाला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के, ये वही वाला एरिया जब हम वो डिस्टेंस इस तरफ देखते हैं और रिंगोड़ा चौकी पे जा रहे हैं, रिंगोड़ा चौकी सामने है। फाइनली मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई, जहाँ मुझे जाना था वहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि गाइड की वजह से जिनके साथ में था ये नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन गाइड ने बोला वहाँ चलना है आज। एक बार ओपन ग्रासलैंड में आ गए हैं, अच्छा हाँ पानी के साथ साथ गए हैं भाई, यहाँ तक डैम का पानी आ जाता है मॉनसून में, चौकी तक फिर एलिफेंट क्रॉस करता है इसको, एलिफेंट से राशन आता है। अच्छा अब हम बिल्कुल ओपन ग्रासलैंड में आ गए हैं और ये कालागढ़ डैम का पानी जो कि रामगंगा नदी वहाँ पे एंड हो रही है, बस यहाँ से कालागढ़ डैम शुरू हो जाता है। तो भाई पहली बार हम यहाँ पे आ रहे हैं और देखो कितना प्यारा ग्रासलैंड है, ये देखो क्या घास है यहाँ की, सामने ढिकाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, उधर पूरा ग्रासलैंड, वाओ सुपर, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। दिखाई दे रहे हैं पेड़ के सफेद, हाँ जी हाँ जी, वहाँ वहाँ तक पानी गया। अच्छा पत्ते वो पेड़ भी डूब गया था ना, वो सॉल्ट भाई बहुत क्रोकोडाइल पड़ा है। हाँ ठीक है दिख गया, क्रोकोडाइल दिख गया, यहाँ तक क्रोकोडाइल आ रहे हैं भाई, क्रोकोडाइल वो देखो भाई क्रोकोडाइल है सामने, ये रहा ये सामने क्रोकोडाइल लेटा हुआ है यहाँ पे, क्रोकोडाइल पूरा बड़ा। अब नहीं होगा कम भाई, इसको बोलते हैं पीस। वाइट 360 डिग्री सामने दिखा ला, उधर उधर एलिफेंट का ग्रुप बिल्कुल कोने पे, उधर ग्रासलैंड, वाओ सुपर। सचिन भाई कपड़े नहीं होते, सचिन भाई गर्मी में तो बहुत पानी सूख जाता है, हां काफी पानी कम हो जाता है। आज हमारे गाइड वसीम भाई की वजह से यहां पे आए हैं हम, अब तो इतना ही रहेगा, अब इतना ही रहेगा ना पानी, तो धीरे धीरे और कम होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा अभी, तो अभी क्योंकि धीरे धीरे अभी अभी ना बारिश तो जून से स्टार्ट है, जुलाई से काफी कम होगा क्योंकि समर स्टार्ट हो जाएगा, समर स्टार्ट हो जाएगा। वो देखो वो क्या बैठा है उधर, वो एक स्टॉर्क बैठा था, स्टॉर्क बैठा है ना ये ब्लैक पत्थर पे, हाँ ये जो पत्थर पे ब्लैक वाला जो बैठा है ये कॉर्मोरेंट है, कॉर्मोरेंट है, ये विदेशी पक्षी है, ये वाला ब्लैक स्टॉर्क है, अच्छा वहाँ से बोल रहे ना पलाश फिश ईगल, हाँ नेस्टिंग है वहाँ पे नेस्ट है भाई ऊपर उस पेड़ पे, सूखे पेड़ पे देखने को यार, बहुत कुछ है, पूरा विशाल जंगल है। अच्छा एक चीज मैंने महसूस करी जितनी शांति यहाँ पर है उस तरफ है ही नहीं, उस तरफ गाड़ियों का मूवमेंट ज्यादा है, देखो ना कितनी पीस है, इधर तो लिमिटेड आते हैं, मतलब शांत खड़े हो जाओगे ऐसा लगेगा, मतलब ऐसी पीस कहीं भी नहीं है, मैं देहरादून रहता हूँ देहरादून में नहीं मिलेगा ऐसा पीस, आप पहाड़ पर चढ़ जाओ वहाँ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता ही है पर यहाँ की हवा में ही पीस है।
रिंगोड़ा चौकी पे पहुंच गए हैं जो डिकाला से दिखाई देती है सामने से। मुझे बहुत पीस महसूस होता है यहाँ पे आके, सबसे ज़्यादा पीसफुल जगह लगती है मेरे को। फाइनली यहाँ पे उतर सकते हैं। अप्रोक्स 3:30 हो रहे हैं और हमारे पास 2 घंटे हो रहे हैं सफारी के लिए, तो बस थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं। रिंगोड़ा चौकी पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी फ़िलहाल दिन की तमन्ना पूरी हो गई है क्योंकि एक गाइड है वसीम जी, उन्होंने फाइनली घुमा दिया। मेरी तो बात कोई मान नहीं रहा था, 2 दिन से बोल रहा हूँ चलो चलो ले चलो, तो मुझे तो चुप करवा दिया जा रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे तक नहीं पहुँच पा रहा था अपनी फेवरेट जगह पे। और यहाँ से एलिफेंट सामने दिख रहे हैं बोरे और डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। वाह सुपर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस, मज़ा आ गया, सुपर सुपर सुपर। चलते हैं थोड़ा सा रिंगोड़ा चौकी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है, कौन कौन है। चलो बढ़िया है भाई, चौकी पे सुबन राम जी मिले हैं, 7 साल से हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ना ये ढिकाला से भी अच्छा लगता है, बहुत शांत, बिल्कुल शांत है यहाँ तो, बिल्कुल शांति, बिल्कुल पेल ड्रॉप साइलेंस है ना। किसी को तपस्या करनी है उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है। अच्छा ये जो हाथी का ग्रुप है वहाँ सामने खड़ा है, कम से कम 3-4 दिन हो गए या ज़्यादा दिन हो गए? हाँ वो हिल ही नहीं रहा, यहीं से ही है, 3 दिन हो गए, जाते आते रहते हैं। कभी कभी तो रात को इसमें आ जाते होंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग चलानी पड़ती है आपको, है ना। आपने कभी कोई ऐसा देखा चमत्कार यहाँ पे? कोई कोई बाबा भी है यहाँ पे आसपास? कोई मैंने कहा चमत्कार देखा कभी यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई साधु संत नहीं है ना इधर, अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ऊपरा परा कुछ भूत पूत कुछ नहीं, रात को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि टाइगर वगैरह तो हाथी की तो भरमार है यहाँ पे, है ना। मतलब फिलहाल है इस तरफ है, दिख सकता है हमें बाग? हाँ बाघ तो लग बाय चांस है। हाँ वैसे है यहाँ पे, 2-3 होंगे, 2-3 दिखी जाएगा, दिखी जाएगा। कितने दिन के लिए आए हो? हम तो खैर कल सुबह जाएंगे, 2 दिन, 2-3 दिन होंगे। सुबह का टर्न में दिख सकता है, अभी भी दिख सकता। जो हमारे वाले सफारी में लड़के थे वो इधर नहीं आना चाह रहे थे, कह रहे ग्लास टेंट लो। मैंने कहा इधर भी दिख जाता है, तो जितना उधर चांस है उतना इधर है। अच्छा इधर भालू है? भालू भी दिखा आपको? भालू दिखा नहीं है, पक्षी चीन वगैरह है, रात को निकलता है। और वो है उड़ने वाली गिलहरी, लाल रंग की होती है, उड़ती है वो थोड़ा सा। येलो थ्रोटेड मार्टिन दिखते रहते होंगे छोटे मोटे, है ना, मार्टिन दिख जाते हैं। और पोर्क्यूपाइन हुआ, या फिर एक और होती है पेंगोलिन बोलते हैं उसको, पोर्क्यूपाइन छोटा सा होता है, वो बहुत टफ कछुए जैसी खाल होती है उसकी, बहुत टफ होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, बहुत शांति है। इसमें मचान पर नहीं जा सकते? मचान पर नहीं जा सकते, मचान बंद हो गया भाई, बहुत प्यारी मचान है वहाँ पे, अभी बंद कर दी, सब जगह बंद कर रखी है। तो चूल्हे वगैरह पर खाना बनाते हो, है ना, चूल्हे भी। आप कहाँ से हो? बनाते हैं। अच्छा आप कहाँ से हो? अल्मोड़ा। अच्छा अल्मोड़ा से, अरे कुमाऊँ नहीं हुआ। चलो बढ़िया, देखो यहीं पे टर्माइट है, आपने इसको छेड़ा भी नहीं, ऐसी है जैसी है ना, इसके अंदर होंगी ना दीमक तो। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। इधर 2 उल्लू थे बहुत बड़े, अभी हमें दिखाई दिए, और मधुमक्खी के छत्ते भी है ना काफ़ी, इधर तो बहुत है। तो पानी मॉनसून में कहाँ तक आ जाता है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ तक आ जाता है? यहाँ तक आ जाता है, डूब जाता है ये पानी? ये सोलर फेंसिंग से भरते हैं ना, उनका लिमिट है। अच्छा उनका लिमिट, उनको पता चल जाता है? उनको पता चल जाता है, जैसे यहाँ से भरा था तो उनके बाद उसके बाद कम करना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं तो ये उन्हीं की जगह है, कालागढ़ वालों की, पानी वालों की, डैम वालों की है, तो इसको तो डुबाएंगे नहीं वो, है ना। ये वहाँ तक है ना जो रोड है, रोड है वहाँ तक है, तो भर सकते हैं, भर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कह सकते। हमको उन्होंने चैलेंज दे दिया था, भी आज साल हम पानी पूरा भर रहे हैं। हाँ आप अपना स्टाफ को शिफ्ट करो। अच्छा फिर करना पड़ा होगा? नहीं फिर पानी उन्होंने वहाँ पर रोक दिया। अच्छा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है। और जैसे राशन तो हाथी से आता है ना जब मानसून में, मैंने देखा ये हाथी तो इसको क्रॉस कर जाता है पूरा, भर रहा हूँ कितना भी। मतलब यह है कि जब पानी कम होता है। अच्छा पैर आने चाहिए बस, हाथी के पैर टिकने चाहिए, ऐसा नहीं कि तैर रहा है वो, है ना, पैर टिकने चाहिए, बाकी पैर पार कर जाता है जब पानी जहाँ पर होता है, चौड़ी जगह होती है। मेरे ख्याल से वही दो अपनी पवन पुत्री और ये लाती है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हमें ग्रास लैंड भी जाना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगली बार तो मिलोगे जून, जून में तो हो यहाँ पे? हाँ चलो जून में मिलते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, बच्चों को बोलना देखेंगे आप भी आओगे उसमें, है ना। ठीक है ओके, ठीक है। यहाँ तो सिग्नल नहीं आते ना बिल्कुल भी, सिग्नल नहीं आते ना। हाँ अच्छा BSNL चलता है कभी कभार। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। और वैसे एकावत भाई भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अरे वाह कितना प्यारा जामुन का पेड़ है, अभी आ नहीं रहे, थोड़े दिन में आएंगे, जामुन के पेड़ ज़्यादा हैं।
चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। शेखावत भाई को कोई मिले, उन्होंने कुछ बताया इनको, इन्फॉर्मेशन हमें बता दो। इन्फॉर्मेशन ये है, वो लकड़ी का लॉक दिख रहा है, हाँ। नीचे उतरेगी तब दिखाऊंगा। नीचे जाएंगे यहाँ से? हाँ, ये अरे वाह भाई वाह भाई। तो गाइस अब हम ये चौकी के सामने से जा रहे हैं। अरे वाह, ठीक है सर। बहुत बढ़िया है, कितना प्यारा जगह है। बता रहा हूँ जो छोटी कार है, जो लेती है प्रॉपर रोड पे, यहाँ पे काटे के लिए उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पर हुआ था किल, खेल कहाँ पे हुआ था वो छोटे बच्चे का जो किया था? अच्छा पीछे किया था। हाँ वो मोटी सी लकड़ी है कोने पे। तो वो जो सांबर रोड वाली टाइग्रेस है, छोटी बारो, वो यहाँ से आती है और यहाँ से जाके फिर इसके नीचे नीचे जाके भी घोड़ा में जहाँ पे उसने किल किया था। अच्छा, तो वो वहाँ पे इसी रूट से जाती है। अच्छा अच्छा, इधर से आती है। अच्छा, वो बता रहे होंगे वहाँ पे जो लास्ट हमने देखा था, वो इसी रूट से आते हुए देखा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। हम रिवर बेड पे चल रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब राम गंगा रिवर के किनारे किनारे जो डैम का पानी आता है पूरा डूब जाता है ये एरिया, दूर से दूर तक भी। सा भाई मधुमक्खी, मधुमक्खी है यहाँ पे, चली गई सबने, सिर्फ नीचे कर दी है। बहुत सारी मधुमक्खी थी, मैंने बोला ना इस तरफ मधुमक्खी बहुत ज्यादा है क्योंकि इधर जंगल में काफी छत्ते हैं, जामुन के पेड़ है ना, उस पर छत्ते बनाए हुए हैं। हाँ वो जो फूल भाई, अगर एक माचिस की तिल्ली भी लगी ना, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। बारूद है, बारूद। इसलिए टूरिस्ट को मना किया जाता है कि सफारी के दौरान कोई स्मोकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई माचिस भी नहीं लाना। क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इन पेड़ों को। हाँ पलाश के पेड़ हैं। हाँ अच्छा, हाँ वो मतलब कलर निकालने के लिए। हाँ भाई ये देखो कि आप ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, वाह क्या कलर्स हैं। अच्छा वसीम भाई, जैसे ये जंगल बहुत प्यारा लग रहा है, कितने क्या कलर हैं इसके, है ना, तो ये अभी और भी रंग बिरंगा हो जाएगा। मार्च या अप्रैल में कब होता है? जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहेगा। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा सुंदर कब रहता है, मतलब कलरफुल? हमेशा रहता है। पहले रेड दिखेगा। अच्छा रेड दिखेगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से जब पतझड़ अप्रैल में तो बिल्कुल ही हो जाता, फिर धीरे जब मॉनसून में ग्रीन हो जाता है पूरा। अच्छा ग्रीन तो रहता ही है क्या? मिक्स फॉरेस्ट है ये, सबका अलग अलग है ना, लेकिन साल का अप्रैल में होता है। साल तो मेरे ख्याल से अब अप्रैल से पहले एक बार को पूरा वो हो जाएगा ना, रेड ड्राई, ड्राई भी हो जाएगा, फिर रेड भी हो जाता है, फिर एकदम से येल्लो होगा। येल्लो होने के बाद फॉल होता है ना। ग्रासलैंड से अब वापस आ गए हैं ठंडे जामुन के जंगल में, अब वापस हम, हाँ अभी रिवर, रिवर बेड में गए। नहीं नहीं जामुन ही है ये, अभी हम रामगंगा नदी के पास पहुंच जाएंगे, फिर उसको क्रॉस करके वुडन ब्रिज से दोबारा से ग्रासलैंड की तरफ बढ़ेंगे। इसी जमाने में ये टाइग्रेस का स्विमिंग पूल हुआ करता था, कितनी प्यारी चिड़िया बैठी है देखो पत्थर पे, किंग फिशर छोटे वाली, छोटी सी किंग फिशर है भाई, छोटी सी, बच्चा है तो। अच्छा कॉमन किंग फिशर पहली बार देख रहा हूँ, इतनी छोटी सी भाई, इतनी सी किंग फिशर थी, इतनी सी छोटी सी।
इनोनोली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अब यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। फोन ये क्लिक करो भाई, कितना प्यारा लग रहा है मंकी लंगूर। वाओ, ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ जाएगा, वहाँ से हम लेफ्ट लेके ग्रासलैंड चले जाएंगे। और ये बिल्कुल ढिकाला के सामने वाली रोड है, बहुत चौड़ी रोड है, बहुत बड़ी सॉल है, जिन्होंने पूरा रूफ क्रिएट की गई है, धूप बहुत कम आती है, गोडरेज बहुत बढ़िया आ रही है लेफ्ट साइड से। ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और बस 1.5 घंटे का टाइम है अपने पास। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बस यहीं आते हैं, तो हम बिल्कुल ही इस तरफ कोने में खड़े हो गए आके। ये पूरा ठंडी रोड जा रही है ऐसे, और ये ऊपर पहाड़ पे जा रहा है रास्ता। कुछ कार उधर खड़ी हैं, सब ऐसे ही खड़े हैं, आज नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। सुबह की सफारी में भी नहीं दिखा, शाम में भी नहीं दिखा, सिर्फ 40-45 मिनट बचे। क्या साइड, सुपर सुपर सुपर, सब कार वहीं खड़ी हैं। अरे वाह, देखो भाई बैंक पे आ गए, कहीं भी कार नहीं लग रही है। एलिफेंट खड़े हैं उधर उधर भी, साधारण गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं। 4:15 हो रहे हैं और हम ग्रासलैंड में आ चुके हैं। अब हम हाथी के पास ही जा रहे हैं, काफ़ी जीप वहाँ पे गई हुई है, बहुत अच्छा नज़ारा। वही हाथी की फैमिली क्या कर रही है, हम जब से यहाँ से 2-3 दिन से हैं वहाँ पे जा रही है अंदर जंगल में शाम को, फिर सुबह उतर के फिर वहाँ आ रही है, फिर वापिस जा रही है जंगल में, फिर आ रही है। एक हाथी का ग्रुप यहाँ पर है, एक उस तरफ था। टाइगर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी जीप चारों तरफ घूम रही है, किसी को भी नहीं दिखा। वैसे एक बात है, किसी को भी नहीं दिखा है ना इस सफारी में, एक भी कार को नहीं दिखा। ये देखो भाई क्या बेहतरीन नजारा है, एक जीप सफारी वाला उस तरफ जा रहा है। क्या विशाल ग्रासलैंड है, कितना बढ़िया जंगल दिख रहा है ग्रासलैंड के उस तरफ, क्या सीनरी आ रही है। और वापस अब एलिफेंट के पास आ गए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ढिकाला ग्रासलैंड, फील द पीस, फील द ब्यूटी। हाँ देखो छोटा बेबी कैसे ले रखा टांगों के बीच में, वो बिल्कुल हम और ये जिससे जूम होता है सेगा, तो भाई ये वाला कैमरा निकाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छी फुटेज आती है, जूम के लिए बेस्ट है ये। धान वाला अफ्रीकन हाथी भी उस टाइप के रहता है। क्या व्यू आ रहा है भाई, बेहतरीन देखने। भाई हाथी को दूरबीन से देखते हैं, बहुत मजा आएगा। और भाई उस जीप में कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं जयपुर से, अभी मिलते हैं उनसे भी। मुझे देना जरा दूरबीन, एक मिनट दूरबीन देना, वो शायद वहाँ पे दिख। सर आप ये दूरबीन दे लो सर। मादा देखो पानी में जा रही है, देखो पानी में जा रही है, हाँ नर पानी में जा रहा है। देखो देखो इसको टस्कर नहीं बोलेंगे, टस्कर तो अकेला घूमता है ना। ये यंग मेल एलिफेंट कितना प्यारा लग रहा है भाई पानी में जाता हुआ। और देखो बच्चे को ना इन्होंने बिल्कुल पैरों के बीच में लिया हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसको तो इतनी जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। ढिकाला की धरती पे गिरेंगे। अरे वाह क्या सीन है भाई, ये मतलब ब्यूटी है इंडिया में, बिल्कुल डिफरेंट। वाह ये देखो हाथी क्या कर रहा है, ये उधर में क्या है, गाइस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है।
मज़ा आ गया देख के। और इन्होंने ना हमारी सफारी अच्छी बनाई हुई है। क्या है तो वो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं सर एलिफेंट। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा जयपुर से। बहुत बढ़िया एडवांस दूरबीन है। अमेरिका से मंगाई थी। यहाँ से भी क्या बात कर। दूरबीन ऐसे वैसे थोड़ी आती है, पैसे में आती है। ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और वैसी थोड़ी आती है। अब तो वो डिजिटल वाली है ना वो थोड़ी। अरे दूरबीन मैं खुद खरीदने की सोचता हूँ। खरीद पापा डिजाथलॉन तो ये अच्छी अच्छी है। 14,000 2,000 गड्ढे में पैर चलेगा। बच्चे को ना इन्होंने बिल्कुल पैरों के बीच में लिया हुआ है। छोटा सा बच्चा है, उसे तो इतनी झटके से चोट लग गई है। बहुत मंदिर में हाँ हाँ उसी की बना रहा हूँ। मेरे को अगर बाहर निकलने को हाथी को खोलाना पड़ेगा। शेर को अगर बाहर निकलने को हाथी को आगे निकालना पड़ेगा एक बार। देखो फोटो देखो वीडियो फोटो। गोबर भी कर रहा है पानी में, गंदा कर रहा है। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा था। कह रहा है मैं अपना इसलिए बदबू आती है, अपना प्रोटीन मैं खुद लूंगा। कह रहा मट बात कर रहा है। मट बात नहीं कर रहा, पीछे से ड्रॉपिंग कर रहा है। ड्रॉपिंग बात ले रहा है। अरे बड़ा वो टस्कर वो हाँ उसी इससे थोड़ा आंखें खराब नहीं हुई बस। बाकी तो खास नहीं है, आंखें खराब नहीं हुई। कहाँ है दूरबीन? आंखें खराब नहीं हुई इससे। आंखें खराब नहीं हुई दूरबीन से। देखो उसे नॉर्मली दूरबीन यूज़ करेंगे आपको आंखों को दिक्कत आती है, चश्मा लग जाएगा। 12 साल से यूज़ कर रहे हैं, चश्मा लग जाएगा। किलोमीटर के हिसाब से इतने तो सही है। इससे आप जान लेनी है दूरबीन जी बेचारे की। हाँ जी हाँ जी, व्हाट्सएप करना जरूर है ना सर। ऐसे ही रहना ना, इस तरफ मत आना। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। आप 30 साल आपको। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बड़ा बोला हूँ आपको। अच्छा देहरादून की वीडियो देखते हो मॉर्निंग की? ये मैं ऐसे ही देखता हूँ, मैं भी वो देखता हूँ जो आप जंगल की। जंगल की हाँ, जंगल की अभी आएगी एक हफ्ते तो आते रहते हैं आपके। लेकिन वो एक अभी बयान ना किधर है, क्या है वो रोड है या स्कूटर है वो जो जा रहा है वो। अच्छा मुझे याद है मेरे सामने सर वो वाला डियर जो है होगी। हां जी हां जी बिल्कुल सही कह रहे हो। हां हां सही कह रहे हो सर। हां हां देखा वो हॉग डियर उधर। हॉग डियर उधर जब हमें 4 टाइगर दिखे थे। हां एक वीडियो बनाई थी, 4 टाइगर दिखे थे उधर। वो तो बहुत पुरानी थी जब वैसे ही मोबाइल से वैसे बना ली थी। तो अभी डेली करते हो मतलब? डेली डेली हां बस यहीं घूमता रहता हूं यहीं। अभी हल्दूपुर आप जाऊंगा इसके बाद इसी इसी इस पहाड़ के पीछे। पानी डाल रहे हैं
हाँ वहाँ तक पानी, डैम का पानी पहुँचा हुआ है वहाँ तक, यहाँ से वो दिख रहा है ना वो रास्ता, उसके पीछे है लुकराव। टाइगर आता है कम है वहाँ, चिड़िया और हाथी ज़्यादा हैं, घना जंगल है। उसी में 4:30 बजे थैंक यू आधा घंटा टाइम अपना, एक घंटा अभी तो मिलोगे ना कैंपस में। चलो उसी में क्या ख्याल है, चलो चलना चाहिए, मैं तो बहुत देर से कर रहा हूँ। हाँ चलो, 4:50 मिनट हो गए सब सर पे जा रहे हैं, यहाँ पर कल इवनिंग में टाइगर निकालना, बिल्कुल रिवर के किनारे, जंगल के किनारे, मोटा साल चौराहे से आ गए। 4:55 हो रही है और फिलहाल अभी यहाँ पे खड़े हम और वेट कर रहे हैं कि टाइगर इस तरफ से आ जाए, क्योंकि इस तरफ कॉल हुई थी। ₹5:33 हो गए भाई, 5 मिनट में हम चले जाएंगे, और क्योंकि हमें गेट बंद होने से पहले ही अंदर होना है, और सामने तुन के पेड़ हैं सारे, पतझड़ हो चुका है, थोड़े दिन में इन पे पत्ते आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर लंगूर बैठा हुआ है, यहाँ बंदर बैठा हुआ है, एक सांबर डियर, चीतल, वाइल्ड बोर है नहीं यहाँ पे, मॉर्निंग में वाइल्ड बोर थे, हमने सोचा यहीं पे टाइगर दिखेगा, लेकिन अभी आज दिखा नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो, कहीं भी नहीं, किसी भी सफारी वाले ने ये नहीं बोला वहाँ पे दिखाया या किसी को दिखाया, किसी को नहीं दिखा, ना सांबर रोड, ना रामगंगा की उस तरफ, ना इस तरफ। 4 घंटे से हम घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन जीरो साइटिंग, ये कमाल ही हो गया आज तो, है ना। बस ये सेकंड लास्ट सफारी थी, कल मॉर्निंग में करेंगे एक सफारी कुछ देर की, फिर निकल जाएंगे एग्जिट। 5:40 पे बैक टू ढिकाला, 5 मिनट पहले आ गया भाई, मोबाइल भी डाउन हो चुका है बिल्कुल, 10% बैटरी, अब इसको चार्ज करते हैं और थोड़ा सा रूम में जाते हैं। बहुत बढ़िया, हमसे पहले 2-3 सफारी हो चुकी हैं जीप, पूरा बैग गंदा हो चुका है भाई जीप में, पूरा कपड़े बैग सब घर जाके धुलवाना पड़ेगा पूरा गंदा हो जाता है मैंने कहा चलो, अब काफ़ी लोग आ चुके हैं एकदम से लास्ट। 5:52 हो रहे हैं, बस 3 मिनट में गेट बंद हो जाएगा, सभी आ चुके हैं ऑलमोस्ट।